लॉर्ड, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते की जो बुधवार की बाइबल स्टडी है उसमें आज की जो विषय है परमेश्वर के सारे हथियार, ये एपीसीओं की किताब छठवां अध्याय इसका 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार। इसमें सिर्फ दो ही विषय है, छोटा विषय जो इसके अंदर एक है, चार दुश्मन के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद परमेश्वर का हथियार के विषय में भी कई बातों को देखेंगे। तो ये दो विषय है जो आज हम इसमें देखेंगे, और इसमें एक चित्र भी होगा ताकि पूरे दुनिया की चित्र और चार दुश्मन आपको दिखने में आएंगे। तो इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि दे, समझ दे खुदा के पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि आप ना बदलता परमेश्वर है। आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहने वाला खुदा है। इसलिए खुदावन आज हम प्रार्थना करें इस विषय के लिए, इस रोटी तोड़ते टाइम हमारी समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि हम समझ कर तुझे आदर सम्मान करें, तेरे करीब आए और तेरे नाम की महिमा करें। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो बाइबल स्टडी के जो विषय है, परमेश्वर के सारे हथियार, एफिशियंस की किताब, एफिसियों की किताब छठवां अध्याय 11 वचन, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 11। पहले जो विषय है चार दुश्मन के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। तो यहाँ पे एक चित्र भी होगा, एक चार्ट होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और कोई भी व्यक्ति दुनिया के कोई भी कोने में, दुनिया की चार कोना है, और ये चार कोने में जहां भी लोग रहते हैं, जहां पे मनुष्य है, उनके विरुद्ध ये दुश्मन काम करते हैं। इसलिए जहां जहां भी मनुष्य है, चाहे वो गांव में है या आदिवासी जगह कहीं भी है, ये दुश्मन कार्य करता है। चाहे आप शहर में रहो, गांव में रहो, जहां पे मनुष्य है, ये दुश्मन, चार दुश्मन कार्य करता है। तो ये हफ्ते के जो हफ्ते का जो बुधवार के वचन है, और अगले हफ्ते दोनों साथ में आपको देखेंगे तो ही पूरा इस विषय में आपको समझ में आएंगे। तो ये वचन समझने के लिए हम लोग ये दुश्मन के बारे में समझने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, एपीसीओं की किताब 6वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब मनुष्य से नहीं, लहू और मांस मतलब मनुष्य से नहीं, परंतु पहला है प्रधानों से और अधिकारियों, नंबर दो, और इस संसार के अंधकार के हकीमों, तीसरा, और चौथा जो है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये सब दुष्ट शक्ति है। तो ये चार दुश्मन है, एक है प्रधानों, दूसरा है अधिकारियों, तीसरा है संसार के अंधकार के हकीमों, और चौथा है दुष्टता की आत्मिक सेना। तो ये चार दुश्मन है। इसी के विषय में हम लोग कई वचनों को और भी देखे ताकि हमको समझ में आएंगे कि ये चार दुश्मन क्या क्या है। इसी के विषय में हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे। तो पहला चीज जो है प्रधान, ये प्रधानों या प्रधान जो है ये यूनानी भाषा में है अर्खे। अर्खे का मतलब है एक नियम, एक सिद्धांत। तो दुनिया में बहुत से नियम है, सिद्धांत है, देश के राजा, देश के जो भी चलाने वाले लोग है वो कई नियम को ले आते। इसलिए कुलोसियों की किताब पहला अध्याय 16 वचन, कुलोशियन चैप्टर 1 वर्स 16, यहां पे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की,
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताए, क्या प्रधानताए, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूझी गई है। तो सब कुछ यीशु मसीह के लिए है, जैसा लिखा है यहां पे, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ सूझी गई करके वचन में लिखा है। तो आज विश्व में जो भी प्रभुताएं हैं या प्रधानता है या अधिकार है, ये सब खुदावन यीशु मसीह के ओर से ही होता है, इसलिए इस बातों को समझना। लेकिन यहां पे हम और एक वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों की किताब दूसरा अध्याय 15 वचन में लिखता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो मतलब बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह क्रूस से विजयी हुआ। मतलब जैसे आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में जब मरता है तो वो जीने उठता है, लेकिन यीशु मसीह ये जो नियम है इसके ऊपर है। मतलब दुनिया में जितने भी नियम है वो नियम से यीशु मसीह ऊपर है। यीशु मसीह के लिए कोई नियम नहीं, क्योंकि वो नियम से बाहर कोई भी चीज कर सकता है जो मनुष्य के लिए नहीं हो सकता है, वो खुदा कर सकता है। जैसे वचन में हम पढ़ेंगे कुंवारी बाइबल में लिखा है जन्म देंगे, यीशु मसीह का जन्म वैसे हुआ। अगर कोई स्त्री उम्र में है तो उनको बच्चे नहीं हो सकता है, लेकिन शास्त्र जब पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उम्र में भी जो स्त्री थे उन्होंने भी बच्चे पैदा किया। तो ये परमेश्वर का जो नियम है वो सब नियम से ऊपर है, इसलिए आज जितने भी प्रधानताएं है ये इसके ऊपर है यीशु मसीह, इसलिए आज हमने ये देखा। तो ये जो नियम है, दुनिया में बहुत से नियम है, कई नियम ऐसा भी है मसीह के विरुद्ध भी है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है ताकि प्रभु हमें चलाएंगे, संभालेंगे, अनुग्रह करेंगे, और इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये है प्रधानताओं या प्रधानों, इसी के विषय में हमने कई बातों को देखा वचन से। दूसरा जो है अधिकारियों, ये जो यूनानी भाषा में है एक्सोसिया, एक्सोसिया का मतलब है अधिकार। तो दुनिया में बहुत से राज्य है उसका अधिकार भी है, जैसे एस्तर के किताब इसका पहला अध्याय है 3 वचन में लिखता है फारस और मादी के अधिकार। मतलब अश्शूरस राजा जब राज कर रहे थे वहां पे ये फारस और मादी उनका अधिकार चलते थे, तो उनके नियम वहां पे चलते थे, इनका अधिकार चलते थे। वैसे दुनिया में बहुत से अधिकार है। लूका के किताब 12:11 वचन में लिखता है जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किसी रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे। तो इसी के लिए चिंता नहीं करना, प्रभु उसकी आत्मा से आपको बताएंगे। लेकिन इधर लिखा है कि आपको अधिकारियों के सामने भी खड़ा करेंगे, इसलिए ये परमेश्वर ने पहले से लिखा है। दुनिया में बहुत से अधिकारी है जो खुदा के विरुद्ध है, इसलिए कई बार आपको भी लेके जाके उनके सामने खड़ा करेंगे। इसलिए परमेश्वर लिखा है चिंता न करना क्या बोले क्या कहे, परमेश्वर की आत्मा से आपको बताएंगे, क्योंकि उनके सामने जाना ही एक आपका एक गवाही है। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस, पत्रोस, ये सभी लोग ये अधिकारियों के सामने गए और उन्होंने जो भी कहा वो वहां पे गवाही हुआ। अधिकारियों को भी खुदा मौका देता है कि आपको जब वहां पे लेके जाता है तो आपके द्वारा एक गवाही भी होता है, उनको भी सच्चा खुदा के जानकारी मिलता है और उनको भी बचने का खुदा एक मार्ग खोलता है। भले आपको लेके गया होगा लेकिन इसमें भी परमेश्वर का कुछ मकसद होता है, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और एक वचन जब लूका के किताब 20:20 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है ताकि उसे हकीम के हाथ और अधिकारी में सौंप दे। तो कई बार लिखा है कि ये हकीम और अधिकारी इनके हाथ में भी सौंप देंगे। तो ये
दुनिया की जो अधिकारियां अधिकारी है ये सभी के हाथ में कई बार विश्वास करने वाले को सौंप देंगे दे देंगे। तो इसलिए इसी का भी ख्याल करना, क्योंकि ये सब प्रधानों और अधिकारियों ये सब कई बार परमेश्वर खड़ा करते हैं, लेकिन ये शैतान की ओर से भी होता है। तो ये विश्वास करने वाले को सताएंगे तकलीफ देंगे, तो लेकिन ये हमें सहन करना है, इसलिए ये सारी बातों को वचन में लिखा है। तो ये है दूसरा जो दुश्मन हमने वचन से देखा जिसे हमें लड़ना है, और प्रार्थना उपास से वचन से हमें इस दुश्मन से हमें लड़ना है। तीसरा जो है संसार के अंधकार की हकीमों, संसार में बहुत से अंधकार की हकीम भी है। कुछ वचन उसी के विषय में भी हम लोग पवित्र कलाम से देखेंगे, जैसे नीति वचन 28वां अध्याय 15 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28:15। ये नीति वचन जो है सुलेमान राजा ने लिखा है। इन्होंने यहाँ पे एक वचन लिखा है कि कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गजरने वाले सिंह और घूमने वाले रीच मतलब ये जो बालू के समान है। तो मतलब कई राष्ट्र में कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट मनुष्य ये बोलता है ये सिंहों के समान है और ये बालू के समान है, क्योंकि कैसे अगर उनके हाथ में सिंह के हाथ में बालू के हाथ में कोई मिल गया तो वो क्या करेंगे, वो उनको नाश करेंगे। वैसे कई राजा हैं कई हकीमों हैं ये संसार के अंधकार के हकीम है, ये कंगाल प्रजा पर प्रभुता करके उनको सताएंगे उनको पीटेंगे तकलीफ देंगे परेशानी करेंगे। तो ये सब वचन में लिखा हुआ है, इसलिए दाऊद राजा भी भजन संहिता इसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन और तीसरा वचन साम्स चैप्टर 2:2-3 वहां पे भी लिखा है यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। तो पृथ्वी के जो राजा और हकीम लोग ये दोनों मिलकर सम्मति करेंगे कि जो अभिषेकित लोग विश्वास करने वाले लोग यहोवा के लोग खुदावन यशुआ हमशिया को मानने वाले लोगों के ऊपर उनका जो भी बंधन है वो तोड़ने के लिए उन लोग कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो ये सब संसार के अंधकार की हकीम है, इसलिए खुदा ने पहले से ही वचन में लिखा है, तो हम लोग इस बातों को ख्याल करें। जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय 8 वचन 1 Corinthians 2:8 वहां पे भी लिखा है जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्या नहीं जाना कि परमेश्वर का गुप्त जो ज्ञान है वो लोग ने नहीं जाना। इसलिए लिखता है क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, लेकिन इन्होंने वो गुप्त ज्ञान जो है हिडन विजडम जो बाइबल में लिखा है ये उन्होंने जाना नहीं, ये बुद्धि उनको नहीं मिले, और इसलिए ये संसार की जो भी हकीम है उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर इसलिए टंगाया क्योंकि उन्होंने इस बातों को समझा नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये सब संसार के जो अंधकार के हकीम है, और ये आज अगर यीशु मसीह के ऊपर कार्य किया तो आपके ऊपर भी कार्य करेंगे, लेकिन डरना नहीं प्रभु चलाएंगे। बहुत से लोग आज खुदावन यीशु मसीह के लिए मारा गया, उनका गवाही बहुत बड़ा है क्योंकि प्रभु ने उनको भी चुना है ये सब कार्य के लिए। तो संसार की जो हकीम है वो जो बुद्धि है जो खुदावन यीशु मसीह है उनको न पहचाना, और इसलिए उन्होंने उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। अगर उनके पास वो ज्ञान होता तो परमेश्वर के दास पौलोस कुरिन्थी लोगों को समझा रहा है कि उन्होंने ये नहीं जाना, और इसी के वजह से बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया।
अगर यदि वो उस बुद्धि को अगर जानते तो लिखा है कि तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तो ये है संसार की जो अंधकार की जो अकीम है, इसके विषय में हमने कई वचनों को देखा। तो ये तीन अभी हमने दुश्मनों को देखा, एक है प्रधान या प्रधानों या अधिकारियों और संसार के अंधकार के हकीमों को हमने देखा। अभी हम चौथा दुश्मन के विषय में देखेंगे, वो है दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये सब दुष्ट जो शक्ति है या दुष्ट आत्मा है, तो ये दुष्ट शक्ति जो मनुष्य के अंदर जब होता है तो मनुष्य ऐसा काम करता है जो आप कभी सोच नहीं सकता है। जैसे आज विश्व में बहुत से अंधकार की जो काम है, जब आप देखकर ही आपको सोच में आएंगी ये इन्होंने कैसा इस तरफ से बर्ताव किया। इसका कारण है कि ये सब दुष्ट आत्मा उनके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, इसलिए कई बार आप देखेंगे लोगों को नाश करते हैं और मनुष्य के शरीर को टुकड़ा करना और बहुत कुछ चीज करना, ये सब दुष्ट शक्ति उनके जीवन के अंदर कार्य करते हैं। और इसके विषय में भी खुदा ने पवित्र कलाम में सारी वचनों को लिखा है, हम कई वचनों को देखेंगे। पहला है प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 13 और 14 वचन, रेवलेशन चैप्टर 16:13-14। यहाँ पे लिखा है कि फिर मैंने उस अजगर, यह है शैतान के मुंह से और उस पशु के मुंह से, पशु मतलब वो जो क्रिस्ती विरोधी जो आने वाला है, और उस झूठे भविष्यवक्ता, ये भी दुनिया में आएंगे, के मुंह से तीन अशुद्ध आत्मा, ये शुद्ध आत्मा नहीं है, ये अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। फिर लिखता है ये चिन्ह दिखाने वाली, तो ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो ये चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला दुष्ट आत्मा है, इसलिए बहुत से लोग ये दुनिया में बहुत से देवी देवताएं लोग दुनिया में है, लोग उनके पास क्यों जा रहे, बहुत से लोग पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ चीज कर रहे कि वहां पे जाके वो पूजा कर रहे, ये सब क्यों कर रहे, क्योंकि ये कुछ शक्ति है जो उन्हें वहां पे ले जाते हैं। क्योंकि इसलिए वचन में साफ लिखा है कि ये सब चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले शक्ति है, और पवित्र शास्त्र में आप जब पढ़ेंगे ये सब आपको दिखने में आएंगे कि खुदा ने ये सारी बातों को वचन में लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, दूसरी तस्लोनिका इसका दूसरा अध्याय 9-12 जब हम पढ़ेंगे, ये परमेश्वर के दास पौलुस तस्लोनिका मंडली को सिखाते टाइम उनको भी समझाया। लिखा है कि 2 तस्लोनिका 2:9-12, दूसरी तस्लोनिका दूसरा अध्याय 9-12, उस अधर्मी, ये अधर्मी जो है ये आने वाला है, ये आया नहीं, एक दिन ये अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखा के साथ होगा। तो ये जो धर्मी है ये शैतान की ओर से होगा, और इसमें झूठी सामर्थ्य होगा, चिन्ह होगा, अद्भुत काम होगा, ये सब चीज वो करेंगे। तो ये वचन में लिखा गया, और आगे लिखता है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करेंगे। तो झूठ की प्रतीति करेंगे, तो आज देखो ज्यादा भी लोग झूठ को प्रतीति करते, सत्य को नहीं, सत्य को किसी को चाहिए नहीं, तो झूठ की ज्यादा प्रतीति करते ताकि
जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होता है वे सब दंड पाएंगे। लेकिन एक दिन याद रखो सभी लोग दंड पाएंगे, ये वचन लिखा गया। इसलिए ये आने वाले जो अधर्मी है ये इनके अंदर झूठी सामर्थ्य होगा, चिन्ह होंगे, अद्भुत काम होगा, ये सब देखकर लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे और सत्य को लोग तुच्छ जानेंगे। तो इसलिए इस बातों को याद रखना कि ये सब आत्मिक सेनाओं से हम लोग इसको पहचानना चाहिए। और एक वचन परमेश्वर के दास पौलुस एपिसियों की जो किताब है इसका दूसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन में भी लिखता है, एपिशियंस चैप्टर 2:2-3, यहां पे भी लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम, तो ये आकाश के अधिकार के हकीम है शैतान, अर्थात उस आत्मा मतलब ये शैतान की आत्मा है के अनुसार चलते थे, जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो आज दुनिया में देखो बहुत से लोग आज्ञा न मानने वाले उनके ऊपर ये दुरात्मा कार्य करते, इसलिए आप देखेंगे वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, लोगों को गोली मारेंगे, मर्डर करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आप सोच नहीं सकता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं उनके जीवन के अंदर कार्य कर रहे। इसलिए लिखा है अभी भी ये दुष्ट आत्मा आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो आज हम भी सब क्रोध की संतान थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें दया की संतान बनाया। तो ये आत्मा के जरिए हम भी पहले काम कर रहे थे, इसलिए वचन में एकदम साफ लिखा है कि ये आत्मा के जरिए हम भी चलते थे, मतलब संसार की रीति पर हम चलते थे और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। तो हम लोग सब पहले ऐसे ही चलते थे, नशे में, गलत कामों में, ये सब बुराई चीज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो आत्मा हमें करने को लगाता है, इसलिए हम लोग इसको पहचानना चाहिए। लेकिन आज खुदा ने हम स्वभावी से क्रोध का संतान था, लेकिन प्रभु ने आज आपको और हमको बदली कर हमें दया की संतान बनाया, इसलिए हम परमेश्वर को भी धन्यवाद करना चाहिए। तो ये दुष्ट आत्मा की जो शक्तियां हैं कि ये आत्मिक बहुत बड़ी सेना है, जैसे बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर 2000 दुरात्मा थे और इसलिए वो कभी घर में रहता नहीं, वो कभी पहाड़ों के ऊपर रहते थे, वो हाथ के ऊपर पत्थर से चीरते थे, बहुत कुछ चीज वो करते थे। क्यों करते? क्योंकि वो उनके अंदर ये दुष्ट आत्मा कार्य कर रही, और जब उन्होंने यीशु मसीह को मिले तब यीशु मसीह ने उनके 2000 आत्मा को निकाल दिया। तब बाइबल के अंदर लिखा है वो एक अच्छा व्यक्ति बने, वो दुष्ट आत्मा उनसे निकल गए। वैसे आपको बहुत से उदाहरण वचन में मिलेंगे कि ये सब दुष्ट आत्माएं लोगों को नाश करने के लिए ले जाते थे और कई बार लोगों को ये आत्मा पानी की ओर ले जाएंगे, आग की ओर ले जाएंगे, उनको नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सारी बातों को वचन में लिखा गया, इसलिए ये सब शक्ति से हमें लड़ना है, और इसलिए ये चार दुश्मने हैं, और इसलिए हमको परमेश्वर के सारी हथियारों को पहनना है। और वो हम लोग अगले हफ्ते के जो संदेश है उसमें आपको विस्तार में समझा जाएंगे। तो इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अभी आपको चार जो दुश्मन है उसी के विषय में आपको बताया, प्रधानों के विषय में बताया, अधिकारियों के विषय में बताया, संसार के अंधकार के हकीमों के विषय में बताया और दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं के विषय में भी हमने सारी बातों को देखा। अभी हम दूसरा जो विषय है वो है परमेश्वर का हथियार, इसके विषय में भी हम लोग कई बातों को वचन से देखेंगे। ये परमेश्वर की जो हथियार, इसके विषय में ये जो वर्ड हथियार है इंग्लिश में आर्मर, ये यूनानी भाषा में ये पैनोप्लिया का मतलब है सब हथियार, जो भी हथियार है वो है, और हिब्रानी भाषा में ये जो हथियार का
जो हिब्रानी भाषा में शब्द जो है वो है केली, केली का मतलब है वो भी हथियार है, और एक दूसरा शब्द भी है वो है मेडे, मेडे का मतलब है वस्त्र, मतलब ये जो हथियार की जो वस्त्र अभी पहनना, तो ये इसके विषय में ये लिखा है। अब हम पहले शैमुएल ये अध्याय जब पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको गोलियात करके एक व्यक्ति है और दाऊद एक व्यक्ति है, इनके विषय में हम कई बातों को देखेंगे। तो ये पहला शैमुएल 17वां अध्याय में गोलियात नामक एक व्यक्ति है और दाऊद भी है, इसके विषय में हम देखेंगे इन्होंने क्या किया है उसी के विषय में देखेंगे। तो पहली शैमुएल 17वां अध्याय 14 वचन, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 17 वर्स 4 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि तब फिलिस्तियों की चावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला जो गात नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ एक बीता थी। तो ये बहुत एक चैंपियन था, वीर मतलब एक बड़ा चैंपियन था ये। और ये आगे लिखता है वचन में, पहली शैमुएल 17वां अध्याय 5 से 7, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 17 वर्स 5 to 7, ये वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये जो फिलिस्ती का जो वीर था गोलियात, ये 6 हथियार पहना हुआ था, इसमें छठवां जो हथियार था तलवार, ये 4500 वचन में लिखा है, और उनके पास तलवार भी थे, और 7वां जो हथियार ये था कि एक बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलते थे, मतलब ये उसकी सुरक्षा के लिए था। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे ये 7 हथियार, 6 तो पहना हुआ है, एक व्यक्ति उनके आगे है, तो ये वचन में लिखा हुआ है। तो ये गोलियात जो है ये पूरे तमाम हथियारों को, 7 हथियार 6 पहना हुआ, एक उनके सामने है, तो ये सब पहनकर वो दाऊद से इजरायली लोगों से लड़ने के लिए आए। हम और भी कुछ वचन देखेंगे, जैसे पहली शैमुएल 17वां अध्याय 38 वचन और 39 वचन, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 17 38 एंड 39, ये भी वचन जब पढ़ते टाइम वहां पे सौल राजा ने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा है तब सौल ने अपने वस्त्र, मतलब ये हथियार है, अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसके उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने सौल से कहा इन्हें पहने हुए मुझे मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तो दाऊद राजा ने भी वचन में आप पढ़ेंगे वही 17वां अध्याय में, उनके ऊपर भी 5 हथियार थे, लेकिन ये कुछ समय के बाद उन्होंने निकाल दिया, बोला मैंने कभी ये पहनकर कभी परखा नहीं, इसलिए उन्होंने सब उतार डाले। आगे वचन में लिखता है, तो अभी यहां पे 2 व्यक्ति है, एक है गोलियात ये पूरे हथियार पहना हुआ, और दूसरा व्यक्ति दाऊद पूरे हथियार को उधार दिया। अब ये दोनों भी लड़ने वाले, तो पहली शैमुएल इसका 17वां अध्याय 40 वचन में लिखता है, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 17 वर्स 40, तब उसने अपने लाठी हाथ में लिए ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर, ये दाऊद राजा ने नाले में से 5 चिकने पत्थर चाटकर अपने चरवाई की थैली अर्थात अपने झोली में रखे और अपने गोफन, वो है आज जो जिसको अपनी भाषा में कैटी कहता है, गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। तो दाऊद राजा के पास एक ही हथियार थे, वो था गोफन, बाकी सब हथियार उसने निकाल दिया, एक ही हथियार से वो ये फिलिस्ती जो वीर था उसके सामने खड़े हो गए। फिर पहले शैमुएल 17वां अध्याय 45 में लिखता है, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 17:45, यहां पे लिखा है दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और बाला और संग, संग मतलब डाल लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं
यहां पे लिखा, दाऊद राजा लिखता है, मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसको तूने ललकारा है। तो उसने बाइबल के अंदर लिखा है उस परमेश्वर को उसने ललकारा, और आखिरी में आप उधर भी पढ़ेंगे तो दाऊद को उन्होंने शाप भी किया है। ये सब होने पर आगे वचन में लिखता है दाऊद राजा क्या कहता है सब लोगों से, पहली शामिल 17 अध्याय 47 वचन जो है, फर्स्ट शामिल 1747 यहां पे लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। तो परमेश्वर जयवंत तलवार से और बाले से नहीं, इसलिए कि संग्राम, संग्राम मतलब लड़ाई तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देंगे। तो आज दाऊद राजा बाइबल के अंदर लिखा है, सभी लोगों से भी बताया कि संग्राम जो है लड़ाई परमेश्वर का है। इसलिए यहां पे आप देखेंगे कि दाऊद राजा अपने पास खाली उनके हाथ में एक गोफन था और कोई हथियार नहीं, बाकी सब हथियार उन्होंने उतार डाला, लेकिन उसके विरुद्ध जो गोलियां थे वो 6 हथियार तो पहना है और एक व्यक्ति डाल लिए हुए उसके सामने चलते थे, तो कम से कम 7 हथियार उनके पास थे और दोनों भी लड़ने निकले। अब देखो यहां पे पहली शामिल 17 अध्याय 50 में लिखता है, यो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तो दाऊद के पास तलवार भी नहीं था। यहां पे एक विशेष बात आपको याद दिलाना है कि गोलियत जो था उसके पास 7 हथियार थे लेकिन सच्चा खुदा को नहीं जानता। तो आप सिर से आपके पाँव के नीचे तक बहुत से हथियार पहना होगा, लेकिन अगर सच्चा खुदा आपके पास नहीं है तो वो आपके जीवन में प्रबल नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। लेकिन दाऊद राजा सच्चा खुदा को मानने से उनके पास एक ही हथियार गोफन था और खुदा ने उसको समझ दिया। उस समझ देने के द्वारा परमेश्वर ने उसको कैसे लड़ना वो भी परमेश्वर ने उसको सिखाया, जैसे वचन में लिखा हुआ है। और उसी के द्वारा उन्होंने जब एक पत्थर उसके सिर के ऊपर जब गया, सिर में उनका टोप भी थे, वो टोप के अंदर से भी वो पत्थर घुसकर उसके सिर के अंदर चला गया और वो मर गए। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से हमने एक व्यक्ति जो फिलिस्ती की जो वीर था गोलियत, ये पूरे हथियार पहना हुआ फिर भी बाइबल के अंदर लिखा है उसके पास सच्चा खुदा न होने से उसको दाऊद राजा ने मार डाला गया। दाऊद राजा ने हथियार पहना लेकिन सब कुछ निकाल दिया, एक गोफन उसके हाथ में थे और एक पत्थर से उसने गोलियत को मार डाला। तो आज यह समझाना है कि मनुष्य के पास कितने भी सिक्योरिटी होगा, सुरक्षा होगा, अगर सच्चा खुदा उनके जीवन में नहीं है वो सुरक्षा कामयाब नहीं कर सकेगा। इसलिए सच्चा खुदा को जानना जरूरी है, वही तुम्हारा सुरक्षा है। इसलिए यीशु मसीह ने पाप बीमार मरण को क्रूस के ऊपर खत्म कर आज वो मरकर जीवित हुआ और वो सब जितने भी नियम है वो नियम के ऊपर है। इसलिए उसी के ऊपर भरोसा रखने से आपके पास हथियार भी नहीं होगा लेकिन प्रभु आपको जरूर बचाएंगे, संभालेंगे, क्योंकि वो योग्य खुदा है। आज आप इजराइल जो देश है 1948 के अंदर वो आजादी मिला और आज तक उन्होंने 7 लड़ाई लड़ चुका है। ये 7 लड़ाई के अंदर खुदा ने उनको मदद किया, क्योंकि वहां पे भले बहुत से यहूदी लोग आज भी यहोवा के ऊपर भरोसा रखता नहीं, लेकिन एक माइनॉरिटी मतलब एक छोटा रेमिनेंट जो है, छोटे कुछ लोग हैं जो मानते हैं दिल से, वो थोड़े लोगों के लिए खुदा सभी देशों के ऊपर भी दया करता है, देशों के ऊपर भी अनुग्रह करता है। जैसे वचन में लिखा है बारिश हो दुष्ट लोगों के ऊपर भी देता है और अन्यायी न्यायी के ऊपर भी डालता है, अन्यायी के ऊपर भी डालता है, लेकिन खास करके न्यायी के लिए, लेकिन उसी के द्वारा अन्याय भी आशीष पाते हैं
वैसे इसराइल के अंदर भी कुछ लोग विश्वास करने से आज देखो ये सात लड़ाई के अंदर प्रभु ने उनको कभी भी उन्हें जयवंत किया, क्योंकि खुदा उनके साथ है। बहुत से उनके आसपास रहने वाले दुश्मन ने आज तक बहुत कुछ कोशिश किया कि उनको विश्व से उनका नाम ही हटा दे, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास सच्चा खुदा है। कुछ लोग जो मानने वाले वो प्रभु को दिल से जानते हैं, वैसे आज भी विश्व में बहुत से विश्वासी लोग हैं। इसी की वजह से आज दुनिया अब तक चलते आया, और इसलिए हमें विश्वास कर अपना जीवन बिताना है। इसलिए आज की जो विषय है, इस विषय से प्रभु आप सब को आशीष करे। तो परमेश्वर का सारा हथियार ये पूरे जानने के लिए अगले हफ्ते में हम परमेश्वर का सात हथियार के विषय में देखेंगे। तो अगले हफ्ते का भी वचन आप जरूर सुनना, ताकि आपको पूरे समझ आपको मिले, ताकि परमेश्वर आपको ऐसे सब दुश्मन की हल्ला के अंदर भी प्रभु तुम्हें बचा सकेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सब को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें। तो जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, अलग अलग संकट में है, उन सभी के लिए हम दुआ करें, ताकि खुदा उन्हें चंगाई दे, आशीष करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। दिया हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। इस वचन के द्वारा सुनने वाले के जीवन के अंदर आशीष कर। प्रभु आप सबको शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। इस समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और सबों को तू हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जैसे आपने दाऊद के साथ रहकर लड़ाई में उनको जिताया, उसी समान सबों को, सबों के ऊपर तू दया कर, अनुग्रह कर, और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावर यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन, कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के अंदर इस वचनों को सुन रहे, संदेश सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रभु का दया, अनुग्रह सदा बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।